भिक्षा डालो, भिक्षा हम दे, फिर मुझे ही देना, फिर मुझे ही देना। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का मेरे ब्लॉग लता ब्लॉग पे, सोर घाटी पिथौरागढ़ से। तो आज है मेरे देवर यानी बबलू का यज्ञोपवीत, यानी जिसे पहाड़ में बर्तपन भी कहते हैं। तो हम लोगों की सारी तैयारियां हो गई, देखो मैं भी तैयार हो गई हूँ। और वो आज है सिरपंचमी, तो सिरपंचमी के दिन बिना दिन के बिना किसी के ऐसे ही मतलब कर लेते हैं, इस दिन को बहुत अच्छा माना जाता है, तो तभी हमने आज का दिन निकाला था। तो हम लोग जा रहे हैं इनका यज्ञोपवीत करने के लिए सरयू घाट पे। तो तैयारियां तो हो गई हम लोगों की, पर हमारे घर वाले ऐसा मतलब हपड़ तपड़ इतना वो कर रहे हैं कि अतास पतास क्या बोलूं मैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस बेचारी को अपना क्लेचर नहीं मिल रहा, अपना क्लेचर ढूंढ रही है, चश्मा भी नहीं मिल रहा इसे। तो ये है मौसी बबलू की मम्मी, ये तैयार होके इंतजार में कब जाएंगे करके। अरे अंकल, सबसे ज्यादा अंकल करते हैं, तास पतास बहुत ज्यादा करते हैं अंकल। और सबसे पहले तैयार होके नहा धो के बैठ गए। चिराग ये देखो, ये भी उठ गया, जब मैंने को उठा के ला दो। और ये दीदी छोटे पुटकू को लेके आए हैं, सोया है ना ये अभी, उठाई है। तो ये देखो हमारा गोलूश मलूश पुटकू कैसी दिखा है, ओए ओए देखो अजीबी रहे, गंदा बच्चा ये गंदा बच्चा, गुस्सा। हनुमान है। नहीं देखो ये कितनी जल्दी हो रही है, तैयार होके बैठ गए। ये इन्होंने नहीं नहाया, ये वहीं नहाएंगे। और सब लोगों ने नहा लिया है और धूप भी आ गई है। तो अभी कोहरा हटा है, यहाँ कोहरे से सुबह बहुत ही गंदा मौसम हो रखा था, अभी हट रखा है हल्का हल्का, अभी भी है कोहरा। और ये देख सकते हो मैं ही हूँ और बबलू रुके हैं और सब लोग चले गए, इतना जल्दबाजी अतास रहता है कि क्या बताऊँ। तो ये देख लो पंडित जी भी आ गए हैं, ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और इतना ठंडा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, लक्ष्मी भूतनी बनी हुई है। जाने लग गए हैं वो लोग, सब पहले ही चले गए थे, अभी मैं पापा लक्ष्मी जी के पापा हैं। जाएंगे काफी अच्छा है यार। तो हम लोग पहुंच गए और यहाँ देखो आज कितनी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा लोग आए होंगे, कोई नहाने वाले तो कोई आज बर्तपन वाले, तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और वो है मंदिर के नीचे नदी है, तो यही होगा। अभी है हम लोग पुल में, झूला पुल में फोटो खींच दो ना, ले तो देखो कितने पीछे भी भीड़ कितनी है, कोई लोग नहाने वाले हैं। तो आज ज्यादातर सब लोग बर्तपन वाले हैं, तो सब लोग इसी के लिए आए हैं, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है यार। थोड़ा यहाँ का रास्ता ना स्टेप से है, तो चलने में थोड़े वैसे तो अच्छा ही होता है, वो भी नहीं है। और अब मैं इसे पिछौड़ी विछौड़ी उड़ के जा रही है, देखो राम। तो ये देखो यहाँ भीड़ कहाँ है, आप ढूंढे उनको। तो देखो सब लोगों की यहाँ तैयारियाँ हो रही है, नहीं तो अब भी पहुंच रहे हम तो। और ये भैया भी आ रहा है, देखो ये यहाँ भैया भी यहाँ पहुंच गए,
यहाँ पे तैयारी भी चल रही है और मम्मी लोग अभी तक भी नहीं पहुँचे। तो अभी आए हैं ये लोग, भूले भटके लोग, रास्ता भटक के। भाई साहब तो सारी तैयारियां हो गई है, बैठ गए तो कार्यक्रम शुरू होने लग गया है। बबलू बेचारे टेंशन में है कि मुंडन करके कैसे लगूंगा करके, वो बेचारे का उतरा हुआ है। और ये देखो भीड़, अभी भी लोग आ ही रहे हैं, जैसे तो मेला लगा हुआ वैसा रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है। और ये ऊपर से आई वाली नदी, ये है रामगंगा नदी, और ये है जो ये नदी आ रही है सरयू नदी जो बागेश्वर से आती है। तो अभी हम लोगों का हो रहा है फोटोशूट, तो सब लोग फोटो खींचने पड़े हैं, देखो सब कैमरामैन बन रहे हैं। ये देखो इतने छोटे बच्चे को भी ये लोग नहला रहे हैं, छोटी बच्ची है शायद 1-1.5 साल की है। लग गया है काम, और यहाँ पे इन भैया का भी हल्दी लगाने लग गए, और यहाँ भी बबलू का शर्म आ रहा, तुम नहीं देंगे। ये लक्ष्मी आर्ट ड्राइवर पूरा लगाते जाओ ना, मुंह में भी लगाओ ना, पूरा लेट आया मजा बड़ी जलन खूब दाढ़ी जलन तो बड़ी ये तो बहुत अच्छी नाक बज गई है नाक मुझे। तो अभी होने वाला है हवन, हम लोग बैठे हुए हैं। ओम चंदो देवी रविष्ठ्यापोहंतीवाहा, ओम चंदो देवी रविष्ठ्यापोहंतीवंतु नस्वाहा, ओम चंदो देवी रविष्ठ्यापोहंतीवंतु नस्वाहा, ओम चंदो देवी रविष्ठ्यापोहंतीवंतु नस्वाहा, ओम चंदो देवी रविष्ठ्यापोहंतीवंतु नस्वाहा। ये लक्ष्मी का पंच स्नान हो रहा है, लक्ष्मी ने नहाया नहीं, अभी धूप आई है तब नहा रही है लक्ष्मी अच्छी से। तो अब बाल काट रहे हैं, तो अभी ना बबलू के बाल पे रक्षा तागा बांधा जा रहा है, दूसरे भैया के बाल पे बांध दिए। इधर पूछ ले पहले गुरु का, ये बबलू के पूरे बाल और दाढ़ी कटेगी बेचारे, वो ट्रिमर लगा ली। तो हमारे यहाँ तो पहले ऐसे मामा ही बाल काटते हैं,
तो अभी यहाँ पे मामा जी ही काट रहे हैं बाल, वहाँ पे पंडित जी ने काट दिए थे। तो मैंने बबलू का नया नाम भी सोच लिया है, बबलू बरमुंडा। ये देखो हमारे बबलू भाई साहब, क्या से क्या हो गया बबलू। तो ये देखो ये भैया कैसे नहला रहे, भैया कैसे नहला रहे, साफ साफ लगा रहे। और ये भैया का भी बाल बाल हो गया, देखो इनको भैया को टीका लगा रहे हैं। बस ये स्वास्थ्य को ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है बताओ तो। हाँ थोड़ा जोर से, जोर से। सनातन धर्म का वो है, चिन्ह है ना। हाँ। इसलिए इसको तो हमको धारण करना चाहिए। और ये त्रिकुंड, त्रिकुंड जानते हो शिव जी का है, शिव जी इसी ऐसा ही धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का चिन्ह। अच्छा, उनका चिन्ह है तीन त्रिदेव का। श्याम मेरी माता कैसे होता है शुरू जैसा ऐसे राज रोट रोट पका दिल्ली आम से भी तो है। भिक्षा डालो, भिक्षा हम दे, फिर मुझे ही देना, फिर मुझे ही देना। शर्म आ रही है, अब देखो मास्क टोपी ओपी पहन के कैसे बन गए। तो हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर पे, तो मंदिर जाना है फिर तो चले जाएंगे हम लोग। अरे सुदामा तो मंदिर में जा रहे हैं हम अभी, बाबा शिवनी की हल्ली तो उठी ना लंबी आदि ना, ना ये नहीं तो लगभग सब चले गए, थोड़े ही लोग हैं अब तो। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को, वीडियो काफी लंबी हो रही है तो मैं इससे आगे का हिस्सा पार्ट टू में दिखाऊंगी। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।